मेरा नाम सनील गर्ग है, मैं पटियाला पंजाब से हूँ। मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स हैं और मेरा एम्स के अंदर रैंक 23 था, नीट में 157 था और पंजाब पीएमटी में थर्ड था। हॉबीज़ में मैं नॉवेल्स वगैरह पढ़ता हूँ, डिबेटिंग करता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ और लॉन टेनिस खेलता हूँ। जी स्टडी फंडा, पहले तो यार मेरा ये था कि कुछ भी फिक्स नहीं करना है, भी इतने घंटे पढ़ना है यार, 14 घंटे पढ़ना है, रोज़ 14 घंटे पढ़ेंगे दबा के, नहीं ऐसे नहीं था। किसी दिन नींद आ रही है तो सो जाता है आराम से, किसी दिन नहीं आ रही नींद तो 16-17 घंटे भी लगा देते होते हैं। मतलब वेरिएबल था, फ्लेक्सीबल था, एक लिमिट होती थी, ऐसे हफ्ते में यार इतना सिलेबस करना है तो कोशिश करनी है उतना करना है, ये नहीं अगर वो ना हुआ तो रोने लग गए और नहीं हुआ कर लेंगे कोई बात नहीं। तो मतलब एक ऐसे होता है कि स्टडी फंडा में सबसे ज़रूरी ये होता है कि तुम अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखो, क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज़ है यार स्ट्रेस हो जाता है करते हुए, सारे दिन किताब के साथ मत्था लगाना पड़ता है क्योंकि बैठ के। तो ठीक है पढ़ते रहो अच्छी तरह, बट ऐसे कोई फंडा नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेरे हिसाब से सीक्रेट तो फाइनली यही था कि मैं नीट को उड़ाने के बाद अच्छी तरह, मैं एम्स के पहले बिल्कुल आराम से गया था, मेरे को फ्रैंकली स्विंग मेरे को कुछ ऐसे भी नहीं था कि पक्का होएगा मेरा, मेरे को कोई बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं था कि पक्का करना ही करना। मैं अच्छी तैयारी करी थी और मैं ऐसे गया था यार पेपर देने जा रहे हैं, अच्छी तरह पेपर दे के आएंगे, नहीं हुआ ना सी, अच्छी तरह पेपर अटैम्प्ट करा तो बेसिकली स्ट्रेस फ्री था मैं ड्यूरिंग द एग्जाम। अगर स्ट्रेस लेके जाता तो पक्का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उड़ा देता वहाँ पर जाके। और एक ये भी था एम्स के अंदर तो कि जीके मैंने एम फॉर एम्स की बुक पढ़ी थी, पहले जीके का कुछ नहीं समझ आ रहा था, बहुत वास्ट सिलेबस था, तो फिर मेरे को एक मेरे दोस्त ने रेकमेंड करी थी एम फॉर एम्स की किताब। मतलब वो किताब मिलते ही था तो मतलब सेट हो गया यार, 2 महीने लगा के वो इसी किताब के ऊपर लगाए थे मैंने, एंड में दबा दबा के पढ़ी। जीके जीके मेरी संभाल गई थी वो, तो मेरे 20 में से मेरे को लगता है 17-18 तो ठीक हो ही गए थे मैंने। यार लास्ट वाले 1-2 महीने में ऐसे होता है कि मेरे को क्या, मेरे साथ वाले हर बंदे को रोज ऐसे सो उठ के लगता होगा कि अपने से ना हो पाएगा, सो जाते हैं आराम से फिर से, क्या ज्यादा बढ़ के क्या करेंगे, पर ठीक है। तो ऐसे हुआ था कि मैं नीट के अंदर ना क्वेश्चंस गलत मार्क करके आ गया था थोड़े से, तो मैंने कहा अभी अब तोड़ गया, बैठते हैं अब आराम से, एम्स वगैरह तो छोड़ ही देते हैं, बैठते हैं सोते हैं अगले साल देंगे आराम से। तो फिर मैं 2 दिन सोया आराम से, नीट के बाद आया घर पे, 2 दिन कुछ नहीं किया, सोया रहा। फिर तीसरे दिन मेरा दोस्त आता है मुझे बोलता क्या हो गया, मैं कहा नीट उड़ गया भाई, अब तो मैं कुछ नहीं कर रहा। मेरा एक शो है हाउस एमडी डॉक्टर्स भैया, मुझे उसने वो दिया, उसके 2 सीजन्स दिया, मैंने दबा के जरा 2 सीजन्स देखे एक दिन लगा के, तो बड़ा यार इंस्पायर हो गया मैं वो शो देख के। मैंने कहा ऐसे डॉक्टर वगैरह बन सकते हैं अगर, तो ठीक है अब मेहनत कर लेते हैं जिंदगी में कुछ करेंगे इस तरह करके, तो इस तरह मोटिवेट वगैरह ऐसे ही मतलब छोटी मोटी चीज़ों से होते हो। तो यार एक तो मेरे दोस्त मेरी अच्छी काउंसलिंग करते होते हैं, स्कूल के फ्रेंड्स थे मेरे, मेडिकल में तो कमी थे, मेरे कॉमर्स में थे थोड़े से दोस्त, तो उनको पता था कि मेरे मेडिकल में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी अच्छा है मेरे को, तो वो बताते होते यार कि तेरी अफिनिटी है कर ले, फ़ायदा करेगा, अपना भी फ़ायदा करेगा, किसी और का भी फ़ायदा करेगा। अच्छा दूसरा, जब कॉन्फिडेंस ज़रा लो तो होता है तो एक शो आता है हाउ आई मेट योर मदर, उसमें कैरेक्टर है बार्नी सिम्पसन, तो बार्नी सिम्पसन बड़ा जैसे कूल सा बंदा है, बहुत चिल सा बंदा होता है, तो उसको देख के ऐसे लगता था यार कि ठीक है भी उसमें कैपेबिलिटी है बंदे में, कुछ कर की कैपेबिलिटी है, तो हम भी मतलब कुछ अगर कैपेबल होंगे तो इसकी तरह हम भी चिल करेंगे, कूल रहेंगे, तो ऐसे मोटिवेटेड रहता है। हाँ डालते यार पेरेंट्स ऐसा तो बोलते नहीं थे कि तेरे को घर से निकाल देंगे अगर तेरी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ना हो, घर वाले हैं अगले, पर दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं तो कुछ तो लगता ही था उनको देख के यार कि इन्होंने भी मेडिकल कर रखी है, अपना काम मुश्किल लग रहा है, तो हाँ प्रेशर होता था मेरे को काफ़ी, बीच में लगता होता है यार कि ये तो मामला ख़राब हो जाएगा अगर ना हुआ तो, पर भाई ये उसको हैंडल करना पड़ता है, उसको बेसिक बात यह है कि बस उसको सिर पे नहीं चढ़ने देना प्रेशर को, करते रहो यार, बहुत बंदे डॉक्टर हैं दुनिया में। मैं यार पेपर से पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले गया था, रात को मैं 1-2-3 घंटे सो के गया था, मैंने कहा अभी सारी रिवीजन कर देते हैं लास्ट चले 2-3-4 दिन में, हो भी गई थी कहने को। पेपर में क्या हुआ, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ तो मैंने फिजिक्स के फर्स्ट में 5-5 करके क्वेश्चंस मार्क करता था, तो क्वेश्चन पेपर में ऐसे होते हैं AIIMS में कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं होती, इट इज़ केमिस्ट्री फिजिक्स बायो या समथिंग, वी
डिपेंडिंग ऑन तुम्हारे पास कौन सा सेट है। तो मैंने फिजिक्स के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस लिए और उनको केमिस्ट्री के फर्स्ट 5 में मार्क कर दिया, ठीक है, गलत हो गए 5-6। अच्छा अब ये ना पता लगता फिर तो 5 सवाल का ही फर्क पड़ना था। चलो 7 के 7 मैंने देख लिया यार, भी 5 हैं, 5 रो में गलत हो गए मेरे, ठीक है। तो मैं तो उधरी, मैं तो फ्लैट हो गया बस, भी खत्म हो गया पेपर, क्या करना आगे। मैं इन्विजिलेटर को कहा भी नहीं आंसर की दे दे, कुछ भी कर दो, मेरा पेपर खराब हो गया। पर क्या कर सकते हैं वो भी, तो AIIMS में तो काफी गलत हुआ था। तो यही है भाई, स्ट्रेस ही था, तभी समझ आया कि स्ट्रेस नहीं लेना था, तभी फिर एम्स और पंजाब PMT का स्ट्रेस नहीं लिया था बिल्कुल भी। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਯਾਰ ਵੀ AIIMS ਇੱਕ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਯਾਰ ਆਹੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਯਾਰ ਮੌਜ ਕਰੋ, ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ।